जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच अब से कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बांग्लादेश की टीम को आज के मुकाबले में कुचलने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में 4 खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है। आप सभी को बता दें कि बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में बुरी तरह से कुचलने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में 4 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है, जिसके भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह से कुचल कर वर्ल्ड कप 2023 के चौथे मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आखिरकार भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और क्या रहने वाले बांग्लादेश की टीम के खिलाफ फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आप सभी को इस वीडियो में पूरी खबर। इसलिए दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला अब से कुछ ही देर में यानी 19 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे से खेला जाएगा। 2023 के लीग के मुकाबले में कुल 6 मुकाबले बचे हुए हैं। यदि इन 6 मुकाबलों में से यदि 4 मुकाबले भी भारतीय टीम जीत हासिल कर लेती है, तो भारतीय टीम बड़े ही आसानी से वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। इसलिए दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव और किए हैं और कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। कुछ नए और खतरनाक युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं। लेकिन दोस्तों, से पहले आप सभी को बता दें कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच यह मुकाबला 19 अक्टूबर को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा और यह मुकाबला 19 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे से शुरू होने वाला है। और इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बैटल में रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और लगभग हर मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहता है। खासकर सुमन गिल ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोधी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ पिछले मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग बैटल में आकर अपने बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों को इनमें ही तारे दिखा दिए थे। जबकि दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के अलावा इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, विराट कोहली अभी रिसेंट समय में काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और वर्ल्ड कप 2023 के अलावा के लगातार 2 मुकाबले में विराट कोहली ने अर्धशतक भी लगाया। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ पिछले मुकाबले में विराट कोहली ने 16 रन ही बना सके थे, जबकि दोस्तों, विराट कोहली इस मुकाबले में चौथे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से सुरेश अय्यर को ही अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ सुरेश अय्यर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर भारतीय टीम की शानदार जीत दिलाने के लिए सुरेश अय्यर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं। जबकि दोस्तों, सुरेश अय्यर के अलावा इस मुकाबले में 5वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को ही अपनी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ 5वें नंबर पर केएल राहुल ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जबकि दोस्तों, केएल राहुल के बाद 6 नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दे दिया है। अब सभी को बता दें कि हार्दिक पांड्या अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि दोस्तों, हार्दिक पांड्या के अलावा 7वें नंबर पर रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट अपने नाम कर अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि दोस्तों, रविंद्र जडेजा के अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को बाहर कर सूर्य कुमार को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। जबकि दोस्तों, 9वें, 10वें और 11वें नंबर की बात करें तो रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे। ये थी हमारी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।